और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक्सप्रेसवे हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। इस हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, हादसा हुआ है जिसमें 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दिवाकर इस वक्त मेरे सहयोगी मौजूद है। दिवाकर, कब और कैसे यह हादसा हुआ, क्या कुछ अपडेट इस पर? देखिए रितिका, हाईवे पुलिस से जो जानकारी मिल पाई है उसके मुताबिक करीब 1 घंटे पहले बोरघाट, जो कि मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर ही पड़ता है, उसी के पास ये हादसा हुआ है। 6 गाड़ियां आपस में टकराई हैं और गाड़ियां इतनी भीषण तरीके से टकराई हैं कि वो गाड़ियां चूर चूर हो गई हैं और उसमें जो लोग सवार थे उसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। 8 लोग जो घायल हुए हैं अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 3 लोगों की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है। जो जानकारी मिल रही है कि सबसे पहले कंटेनर ने कार को टक्कर मारी, फिर उस कार ने दूसरी कार को, और इसके साथ क्रम वाइज जो है कुछ 6 गाड़ियां उसका चपेट में आई टक्कर के, और उसके बाद जो 6 गाड़ियों में सवार लोग थे उसमें से ज्यादातर लोगों को जो है जो फायर ब्रिगेड की टीम है, हाईवे पुलिस की टीम है, उन्होंने निकाला, लेकिन उसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है। 8 लोगों को इस वक्त जो है अस्पताल में इलाज चल रहा है। ठीक है, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दिवाकर सिंह। तो 4 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस भी जांच करती हुई नजर आ रही है, लेकिन एक्सप्रेसवे हादसे में ये बड़ा